फ्रेंड्स, टेक रियलिटी चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों मैं आपके सामने आज एक मिवी कंपनी का वायरलेस फ्रीडम जो बड्स हैं उसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। जैसा कि आप बॉक्स पे देख सकते हैं, इसका जो मॉडल है वो ड्यूओपॉड्स M20 के नाम से मॉडल आता है। देखिए, मैं आपको बॉक्स पे दिखाता हूं क्या क्या दे रखा है। पीछे इसकी कुछ डिटेलिंग दी है जिसमें कुछ फीचर्स के बारे में इसके डिस्कशन किया गया है। तो पहले फीचर की यहाँ बात करें तो देखो, आपको दिख रहा होगा ट्रू हाई फिडिलिटी स्टीरियो में दिया गया है, यानी कि कोई भी डिस्टॉर्शन साउंड में आपको देखने को नहीं मिलेगा और आपको अलाउ करता है एंजॉय वायर्ड क्वालिटी साउंड ट्रूली वायरलेसली, मतलब कि बिना वायर के भी वायर जैसी साउंड जैसे आपको AKG वगैरह मिलती है वैसी साउंड आपको इसमें देखने को मिलेगी। और बैटरी लाइफ की आगे डिस्कशन किया गया, जैसा कंपनी ने बोला है कि इसका 4 घंटे का प्ले टाइम है यदि आप 70% वॉल्यूम पर इसको प्ले करते हैं। 100% पे कंपनी ऐसा कोई क्लेम नहीं करती, बट आप 70% वॉल्यूम पे इसको यदि आप प्ले करते हैं तो 4 घंटे का अप्रोक्सीमेटली प्ले टाइम ये क्लेम करती है कंपनी। तीसरे फीचर की बात करें दोस्तों, तो इसमें नॉइस कैंसिलेशन दिया गया है और ट्रांसपेरेंट हीरिंग, मतलब कि ट्रांसपेरेंट हीरिंग के बारे में बात की गई है। पैसिव नॉइस कैंसिलेशन दिया गया है जो आपको आइसोलेट करता है एम्बियंट नॉइस से, तो बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि बड़े बड़े ब्रांड्स में देखने को मिलता है नॉइस कैंसिलेशन। मिवी ने अपने इस छोटे से एयरपोर्ट्स में भी ये फीचर आपको दिया है। अगले फीचर की बात करें तो इसमें सुपर सॉलिड बेस पावरफुल ड्राइवर्स दिए गए हैं जिसमें क्लियर साउंड, थंपिंग बेस और क्यूरेटेड टू सेटिस्फाई द ऑडियो फाइल इन यू, तो आपको बहुत अच्छा मतलब एक्सपीरियंस देने की कंपनी क्लेम गारंटी करती है। अगले फीचर की बात करें तो इसमें स्प्लैश रेसिस्टेंट दिया गया IPX5 का, यानी डस्ट और स्प्लैश रेसिस्टेंट ये आपको बर्ड्स मिलने वाले हैं और ऐसे डिजाइन किए हैं ताकि आपको कंप्लीट पीस ऑफ माइंड मतलब आपको मिलेगा। अगली बात करें तो इसमें वन टच पेयर एंड प्ले है, प्ले पोस्ट कॉल आपने कुछ भी करना हो तो एक टच से ही ये सब कुछ काम करता है। इसमें किसी प्रकार का कोई बटन नहीं दिया गया, बटन इसमें है ही नहीं। इनेटिव कंट्रोल दिए हैं जो आपको इंश्योर करते हैं कि नेवर हैव टू रीच आउट ऑफ योर फोन, आप अपने फोन से मतलब कभी दूर नहीं होंगे, एक ही टच से आप फोन सुन सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं किसी गाने को, और गाने के बीच में कोई कॉल आती है तो एक ही टच से वो पोस्ट करके दूसरा अपनी कॉल अटेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो इस पे देखिए, जैसा कि आपको दिया है MRP 2999 है, मगर मैं आपको बता दूं ये ईयरपोड्स मैंने 1800 के लिए हैं। कंपनी इस पे एक साल की गारंटी जो है, देखिए यहाँ लिखा भी है रिलायबल 1 ईयर वारंटी, इसमें एक साल की वारंटी है और बेस्ट इंडस्ट्री ये अपने आप को प्रूव करते हैं मिवी वाले। मगर टूट फूट के केस में कोई वारंटी नहीं, यदि आप इसे पानी में डुबो के मतलब खराब कर दे तो उस केस में आपकी गारंटी क्लेम नहीं होगी। अदरवाइज कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो कंपनी एक साल की वारंटी आपको एडमिट करती है। तो दोस्तों, मैं आपको खोल के दिखाता हूं ईयरबड्स। देखिए, इसमें कुछ इस प्रकार का एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। पहले ये वारंटी कार्ड होगा आई थिंक, या डिटेलिंग है और जिसमें लिखा हुआ है कि पहले रजिस्टर्ड कर लीजिए। आपको यदि कोई वारंटी कवरेज करनी है तो आपको लेते ही इस नंबर पे व्हाट्सएप करना पड़ेगा जैसे कि इन्होंने दिया है, या मिवी के अपना ईमेल करके आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, तब आपकी गारंटी कवर करेगी, अदरवाइज नहीं करेंगी। कई बार मेरे भाई लोग जो है लेके भूल जाते हैं, कोई रजिस्टर नहीं करते तो उनकी वारंटी बाद में परेशान होते हैं, फिर कहते हैं नहीं कंपनी फ्रॉड है ये है, तो आप भैया लेते हो तो इसको रजिस्टर्ड कर लीजिएगा। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ ईयरबड्स के साथ। देखिए, कुछ ऐसे हैंडलिंग के लिए कंफर्टेबल वो दे रखा है कि आप अपना हाथ में लेके ऐसे मतलब चल सकते हैं। और ये देखिए, ये बड्स का बॉक्स है जो कि एक चार्जर भी है और एक अच्छा प्लास्टिक दिया हुआ है जैसे क्वालिटी छूने से पता चल रही है। देखिए, बड्स को देखते हैं, ये 2 बड्स दिए गए हैं और ये देखिए, इसको निकालते ही लाइट जल जाती है, ये कुछ ब्लू और रेड कलर की लाइट जो है फ्लक्चुएट हो रही है। और इस प्रकार देखिए, ये 2 बड्स आपके सामने है। देखिए, इसका मतलब ये शो कर रहे हैं कि ये सेंसर बेस्ड बड्स हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई बटन नहीं है। कईयों में ऐसा होता है ये बटन होते हैं, ये सेंसर बेस्ड है। देखिए, इस समय चालू है और क्विक जो है ये फटाफट आपके फोन से कनेक्ट होते हैं। पहली बार हो सकता है टाइम ले, बट इसमें 5.0 का ब्लूटूथ जो है वो आता है और बहुत जल्दी नैनो सेकंड में आपका फोन कनेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट टाइम तो मैं नहीं कहता, सेकंड टाइम जब भी जो फोन पहले से कनेक्ट है उसके बाद सेकंड टाइम जैसे ही आप इसे निकालेंगे कनेक्ट हो जाएंगे। और देखिए, कानों में किस तरीके से लगते हैं अपना, बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से देखिए कानों में अपना लग गए हैं और बहुत ही कंफर्टेबल फील हो रहे हैं। कोई किसी प्रकार की हिलाने डुलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें और बहुत अच्छे। और कंपनी हैवी बेस की इसकी बात करती है, 4 घंटे का आपको बैटरी बैकअप कंपनी क्लेम कर रही है,
यदि आप 70% वॉइस पे मतलब वॉल्यूम पे आप उसको ऑपरेट करते हैं, तो मेरे हिसाब से 1800 में बहुत अच्छी डील है, और मैंने इसे पर्सनली सुन के भी फील किया है, बहुत ही बढ़िया बेस। आप इसको बॉस और उससे ये तो नहीं कहूंगा उनकी टक्कर की है, बट उनके कंपेरेटिवली प्राइस के हिसाब से दिस इज अ गुड डील फॉर एवरीवन। सो आप ले सकते हैं मीवी का ये जो इस नाम से आता है वायरलेस फ्रीडम ड्यूओपोड्स M20 मॉडल है, 1800 रुपए का है, 3000 रुपए की इसकी जो है MRP है। और इसमें जो है ये जो आपको ये दिया है ये एक तरीके का चार्जर ही है, आप इसको V8 जैक से किसी भी चार्जर से नॉर्मल दे सकते हैं, इसको चार्ज कर सकते हैं मतलब। और इसमें देखिए केबल भी दे रखी है, और केबल ऐसी फॉर्मेलिटी के तौर पे दे रखी है, कोई जरूरत नहीं, आप अपने नॉर्मली V8 चार्जर से इसको सैमसंग के किसी चार्जर से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। और देखिए इसमें दो ये एक्स्ट्रा चार बड्स भी आई थिंक इसके अंदर दिए हुए हैं, चार बड्स, यदि आपके ये बड्स कभी खराब हो जाते हैं तो आप ये बड्स इसमें लगा के मतलब आगे दे रखे हैं चार एक्स्ट्रा, हालांकि जरूरत नहीं पड़ती, मुझे अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं, इसमें खराब होने का कोई इशू लग नहीं रहा। और देखिए ये केबल दे रखी है मेरे फॉर्मेलिटी के तौर पे, कोई ऐसी नॉर्मल केबल है, इस केबल की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप अपने नॉर्मल मैंने बताया V8 जो चार्जर होता है सैमसंग का नॉर्मली जो पहले चलता था, आजकल तो C टाइप चलता है, बट ये V8 टाइप है, तो आप इसकी ऐसी फॉर्मेलिटी है कभी तार ऐसी काम आ जाती है आप इसे उससे चार्ज कीजिए। और ये जो इसके अंदर ये जो पावर बैंक दे रखा है ये आपके बड्स को कम से कम 3 बार चार्ज कर देगा, मतलब कि आपके पास ये पावर बैंक यदि फुल चार्ज है तो 4 घंटे क्लेम करती है, फुल वॉल्यूम से सुनते हो तो 3 घंटे तो चले गई, तो 9 घंटे आप किसी सफर में भी हैं तो आप इसका यदि आपका पावर बैंक पूरा चार्ज है 9 घंटे का सफर आप पूरे इस म्यूजिक के साथ मतलब बिता सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, 1800 रुपये में बहुत अच्छी डील है, तो आप इसको ले सकते हैं। तो ये थी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कोई कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं, बाकी वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद दोस्तों।